हे गाइस, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मतलब देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, बट स्पेसिफिकली हम दो टाइप के कंस्ट्रक्टर की बात करने वाले हैं, जिसमें से नंबर वन इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड वन इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो ये दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, आज हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले ना आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा, दैट इज जावा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास। इसकी मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूँ एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले उस वीडियो को देख कर आओ एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना मैं पुराने कोड को यूज करने वाला हूँ, तो पुरानी जो भी मैंने वहाँ पे बातें कही थी या पुराना वहाँ पे जो भी मैंने कोड किया था उसको यूज करके मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो हमने, अगर आपने वीडियो देख लिया या फिर आपको याद हो तो हमने पिछली बार ये कोड किया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग बनाया था, कंपनी नेम, मॉडल, कलर, रैम, स्टोरेज, बैटरी पावर, एंड फिर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था यहाँ पे गेट इन्फॉर्मेशन नाम से। और फिर मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि यहाँ पे मैं फोन वन के नाम से ना इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, फिर फोन टू के नाम से, फिर फोन थ्री के नाम से, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे स्टोर करनी पड़ रही है। अब अगर मान लो मुझे इनपुट लेना पड़ जाता, या फिर इनपुट के अलावा अगर मुझे इन इन्फॉर्मेशन को, अगर मुझे बहुत सारे हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स बनाने पड़ जाते फोन के, मतलब फोन के बहुत सारे वेरिएंट बनाने पड़ जाते, तो क्या मैं बार बार जाकर कोड के अंदर इस तरीके से हार्ड कोड करके इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करता? नहीं ना। तो क्या करता मैं, तो हम इसके अंदर मे बी एक फोर लूप चला सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं स्ट्रिंग में इनपुट ले लेता, वन प्लस, फिर नाइन प्रो, फाइव जी, पिन ग्रीन, पाइन ग्रीन, 256, 4500, ये सारी इन्फॉर्मेशन एज अ इनपुट मंगवाता एंड एक एक करके इन सब के अंदर मैं इसके अंदर स्टोर करता रहता। ये तरीका भी अच्छा है, पर एक चीज और होती है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं। देखो, जब आप कभी क्लास को कॉल करते हो ना, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, देर आर फाइव टाइप्स। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पर वो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर टोटल पांच है। नंबर वन इज, जिसमें से नंबर वन की अगर मैं बात करूं, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहां पर आपके पास है फाइव टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। नंबर टू इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नंबर थ्री इज, इसके बाद आता है हमारे पास स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। फोर हो जाएगा हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। एंड फिफ्थ वन हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो देखो, ये सारे कंस्ट्रक्टर मेरे पास अवेलेबल है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये पांच टाइप के कंस्ट्रक्टर होता है आपके पास, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, स्टैटिक, प्राइवेट, कॉपी। ठीक है, अब एक एक करके हम हर किसी के बारे में जानेंगे, बट आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में ही बात करने वाला हूँ। बाकी की जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो धीरे धीरे हम वीडियो में आगे की ओर जानते जाएंगे, जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे वैसे इनको भी हम सीखते चले जाएंगे। तो एक्चुअल में ना, मैं पहले आपको ना एग्जांपल दूंगा, कोई सिनेरियो डेवलप करेंगे, सिनेरियो के ऊपर इन कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। अगर मैं थ्योरी सारी एक ही साथ पढ़ा दूंगा ना, ऊप्स की, तो काफी बोरिंग हो जाएगा। बेटर ये है कि प्रैक्टिकल के साथ साथ सीखते चले, तो जब इनकी नीड आएगी तो हम इसको सीख भी लेंगे, समझ भी जाएंगे साथ ही साथ। तो वीडियो के अंदर आज हम सिर्फ डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये पिछले कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब इधर आते हैं। सो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यहां से हटाता हूं एंड जो पुराना कोड है हमारा, उस कोड को मैं यहां पे लेकर आता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर एक क्लास डेवलप करी। अब देखो, ये जो क्लास है ना, इस क्लास के अंदर मैंने अभी तक कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता हूं, तो एक कंस्ट्रक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, जिसका नाम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर ना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से ही प्रेजेंट है। उसका काम क्या है? उसका काम है इस क्लास को इनिशियलाइज करने में हेल्प करना। मतलब जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा ना, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता है, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे कोई डिक्लेयर कर सकता है? इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेगा कोई भी पर्सन इस तरीके से, वो यहां पर फोन P1 इक्वल टू न्यू फोन इस तरीके से डिक्लेयर करता है। इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं करी, मैंने कोई आर्गुमेंट यहाँ पे भेजा नहीं है। उसकी वजह से क्या हो गया, ये इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जा रही है, तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले से ही प्रेजेंट है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी लिखना पड़ता है। तो किस सिनेरियो में लिखना पड़ेगा?
अगर मैंने फोन को इस तरीके से बनाया तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब इसके अंदर क्या होगा, मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर बस ये एक लाइन लिखूंगा। उस लाइन को लिखने के बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इन सारी वैल्यूज को इनके डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। तो जो भी इनको वैल्यू असाइन की गई होगी, जो भी इनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की गई होगी, अगर मैंने कुछ भी असाइन नहीं करा, जैसे कि मैंने इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इसके बाद भी क्या होगा, कंपनी नेम में आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, बेसिकली नल आ जाएगा, मॉडल के अंदर आ जाएगा नल, कलर में आ जाएगा नल, रैम के अंदर आ जाएगा जीरो, स्टोरेज के अंदर आ जाएगा जीरो, बैटरी के अंदर आ जाएगा जीरो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब तक कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से देखो, मैंने इसको नल तो दिया नहीं ना, फिर भी ये नल हो गया, रैम को मैंने जीरो नहीं दिया, फिर भी वो अपने आप ही जीरो हो गया। अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने वाला पर्सन कौन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम का एक कंस्ट्रक्टर इसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, जो क्या करता है, इनको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करवा देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसी कोड को, जो यहाँ पे हमने कोड लिखा है, और मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं फोन P4 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू फोन एंड हम यहाँ पे P4 को करते हैं प्रिंट। तो देखना P4 वाली जो वैल्यू होगी वो कैसी मिलेगी मुझे, P4 की वैल्यू कैसे मिल रही है, स्ट्रिंग में नल नल नल, रैम 0 GB, बैटरी 0 GB, पावर 0 mAh। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इन लोगों को डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर दी थी, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी थी, इसी वजह से ये सारी वैल्यू अपने आप ही डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर चली गई। बट व्हाट इफ अगर मैं इसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मैं इस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करूं ना, डिक्लेयर करते टाइम ही इनको वैल्यू दे दूं, यानी कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया था, तो अगर मैं यहीं से कुछ वैल्यू पास कर देता, जैसे मैं यहीं से फोन का नाम पास कर देता कि भाई फोन है मेरे पास वन प्लस, इसी के साथ साथ मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर ही पास कर देता, और मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता तो वन प्लस वाली चीज इसमें कॉपी होती, फिर उसके बाद मॉडल वाली चीज इसके अंदर कॉपी हो जाती, अगली इन्फॉर्मेशन कलर इसमें कॉपी हो जाता। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये काम करता है पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होगा, आप जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते टाइम आप उसके पैरामीटर्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर दोगे, एंड उसी इन्फॉर्मेशन को मैप करता हुआ एक कंस्ट्रक्टर आप क्लास के अंदर लिखोगे, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को उस कंस्ट्रक्टर के सारे अपनी वेरिएबल्स के अंदर जाकर असाइन करके आ जाएगा। इट मीन्स आपने यहाँ पे लिखा पब्लिक, और जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता, एंड कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से मैच करना चाहिए ताकि वो पता लगा पाए कि ये कंस्ट्रक्टर है। नंबर वन, कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ना ही रिटर्न टाइप उसका वाइड होगा, ना इंट होगा, ना लॉन्ग होगा, ना स्ट्रिंग होगा, कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं हम, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा फोन, और ये पब्लिक लगाना भी जरूरी नहीं है, तो आप सिंपली फोन लिखो। अब देखो कंस्ट्रक्टर में आप क्या क्या पास करना चाहते हो, स्ट्रिंग कंपनी नेम, फिर मैं स्ट्रिंग मॉडल पास करना चाहता हूं, फिर मैं स्ट्रिंग कलर पास करूंगा इसके अंदर, मतलब मैं नीचे से पैरामीटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मंगवा लेता हूं, स्ट्रिंग इंटीजर रैम, इसके बाद मैं इसके अंदर रैम की इंफॉर्मेशन मंगवा लूंगा स्ट्रिंग, फिर इंटीजर स्टोरेज, और फिर इंट बैटरी पावर। अब एक एक करके इन सबको साइन कर देते हैं, दिस डॉट कंपनी नेम इक्वल टू कंपनी नेम। एक्चुअल में ये दिस वाली इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर अभी वीडियो बनाऊंगा, एंड इसकी वीडियो का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दिस का ना आपको रेलेवेंस समझ में आएगा, दिस करता क्या है, अभी के लिए मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ दिस क्या होता है। दिस एक ऐसा वेरिएबल होता है जो क्लास के वेरिएबल को असाइन, मतलब क्लास के वेरिएबल की बात करता है। जैसे कि यहां पर देखो, इसका नाम भी कंपनी नेम है और इसका नाम भी कंपनी नेम है। अब दोनों में से अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कंपनी नेम इक्वल टू कंपनी नेम, अब जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो फंक्शन है कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज इसलिए हो गया, इसने बोला यार कि कंपनी नेम तो मेरे पास भी एक वेरिएबल है, अब ये कह रहा है कि कंपनी नेम में कंपनी नेम असाइन कर दो। इट मींस मैंने लोकल वेरिएबल के अंदर ही लोकल वेरिएबल असाइन कर दिया, लोकल वेरिएबल के अंदर लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी। तो मैंने इस कंपनी नेम की वैल्यू अगर 1+ हुआ करती थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1+ = 1+, बेसिकली 1+ के अंदर 1+ ही डाल दिया, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं। पर एक्चुअल में करना क्या था, मुझे इसके अंदर इस वाली इन्फॉर्मेशन को पुट करना था,
तो मैं इन दोनों के अंदर ये जो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आया है, इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाऊं कैसे, उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज करना चाहिए दिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर मैं आप अपना कर्जर लेके जाऊं तो ये मुझे बताएगा द असाइन द असाइनमेंट टू वेरिएबल कंपनी नेम हैज नो इफेक्ट। इस असाइनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप लोकल वेरिएबल के अंदर ही लोकल वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हो। तो बेसिकली आपने क्या करा, वन प्लस इक्वल टू वन प्लस कर दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटर क्या है, मैं चाहता हूं कि इस कंपनी नेम के अंदर इस कंपनी नेम की वैल्यू चली जाए। मतलब अगर मैंने कंपनी नेम वन प्लस दिया है तो वन प्लस वाली वैल्यू इस कंपनी नेम में चली जानी चाहिए। दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि वेरिएबल्स के नाम आप अलग अलग रख लो, पर अलग अलग रखने का कोई फायदा नहीं ना, जितना हो सके सेम नाम रख लो। सेम नाम रखने से क्योंकि मैं दिस के थ्रू इसको इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकता हूं ताकि मेरे को कोड करने में ईजी रहे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दिस डॉट कंपनी नेम। अब मैं दिस लगाने से इस अपने क्लास को बात कह रहा हूँ कि भाई सुन, ये जो दिस है ना ये मेरी क्लास के वेरिएबल है, मतलब क्लास में रखा हुआ कंपनी नाम, क्लास के अंदर रखा हुआ एक वेरिएबल जिसका नाम है कंपनी नेम, उसके अंदर इस कंपनी नेम की वैल्यू को असाइन कर दो। तो ये क्या करेगा, यहां से जो भी वैल्यू आएगी, यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के इसमें असाइन कर देगा। अब इसी तरीके से दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर दिस डॉट रैम इक्वल टू रैम दिस डॉट बैट स्टोरेज इक्वल टू स्टोरेज और दिस डॉट बैटरी पावर इक्वल टू बैटरी पावर। हाँ, इसके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबको आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिखो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरामीटर जिस मर्जी ऑर्डर में पास करो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको असाइनमेंट सही करना है। जैसे कि मान लो रैम की वैल्यू आई 12, यहाँ पे आता है 12, रैम की वैल्यू जैसी 12 आती है ये क्या करेगा, ये इस रैम नाम के वेरिएबल में, इस रैम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना उसको उठा के इस रैम नाम के वेरिएबल में कॉपी कर देगा। अब दोनों का नाम ही रैम है, इसका नाम भी रैम है, इसका नाम भी रैम है, तो क्या करेगा ये बोलेगा भाई क्लास के अंदर बना हुआ रैम नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर फंक्शन के थ्रू आए हुए रैम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू रखी है उसको असाइन कर दो। फंक्शन के अंदर एक रैम नाम का वेरिएबल है, उसके पास कुछ वैल्यू पड़ी है, उस रैम नाम के वैल्यू मतलब उस रैम नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको उठा के क्लास के अंदर रैम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जाकर कॉपी कर दो। ठीक है, तो ये इस रैम के अंदर जो डेटा रखा है इसको उठाकर इस रैम के अंदर जाकर कॉपी कर देगा। तो ये जो मैंने भी कंस्ट्रक्टर बनाया ना इसको कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करे एंड ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से क्या हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जा चुका है, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने पैरामीटर दे दिया ना, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जब कुछ भी ना चले तो डिफॉल्ट चले, अब तो ये चलेगा ही चलेगा। जब मैं इसको पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं अपने क्लास को फोर्स कर रहा हूँ कि भाई जब भी तुम्हें कोई डिक्लेयर करेगा ना तो तुम्हें इस कंस्ट्रक्टर के सहारे डिक्लेयर करेगा। अब ये वाली जो लाइन है ना ये क्या कह रही है, अब इनमें एरर आ गया, देखो एरर को पढ़ते हैं जरा। द कंस्ट्रक्टर मेन डॉट फोन इज अनडिफाइंड, आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ना वो डिफाइन ही नहीं करता, मतलब ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इट मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे अब यहाँ पे अपनी वैल्यू को दे यहाँ पे अपनी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भेजता हूँ, वन प्लस यहाँ भेजा कॉमा, फिर मैंने ये वैल्यू भेजी। अब इसके अंदर ना जो चीज मैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे तो अभी मैंने वेरिएबल्स कम रखे हैं, आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपको हजार हजार वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएं। जब आपको हजार वैल्यू बनाने पड़ेंगे तो क्या आप एक एक करके यहाँ पे हर एक कोड के अंदर वो हजार लाइनें लिखोगे ऐसा काम करने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे हम अपना कोड एक बार राइट कर देंगे, उसके बाद एक बार राइट करने के बाद कंस्ट्रक्टर के सहारे उसके अंदर सारी वैल्यू असाइन करते रहेंगे। बाकी और भी तरीके होते हैं वैल्यू असाइन करने के, पर ये थोड़ा ऑप्टिमल मेथड है। अब इसी तरीके से मैं इसको कलर दे देता हूँ, कलर के बाद मैं यहाँ पे स्टोरेज प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज 8 GB ऑफ रैम, 128 GB स्टोरेज एंड 4500 ऑफ mAh की बैटरी है उसके पास। अब इस चीज को हम हटा देते हैं, देखो फोन वन को मैंने वैल्यू दे दी, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे फोन टू बना रखा है उसे भी कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, एंड इसी तरीके से फोन टू को भी कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। फोन टू के अंदर चेंजेस क्या क्या थे, 8 GB ऑफ रैम की जगह 12 GB ऑफ रैम एंड स्टोरेज था 256 GB। बट अगर मान लो कल को मुझे जरूरत पड़ गई कि मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज पास करूं, मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की भी नीड पड़ सकती है, तब मैं क्या करूंगा, तो मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर ना अगर दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर चाहिए
तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक फोन दिस। अब क्या हुआ, अब ये दोनों टाइप के कंस्ट्रक्टर यहाँ बन चुके हैं, यानी कि अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाना चाहा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, और अगर मैं पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर चलाना चाहूंगा तो मेरा पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। ठीक, इस एक कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग, जो कि आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के और भी एग्जांपल देखेंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग आपको दिखाने वाला हूं कि ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग अलग है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उन सबके ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियोज के अंदर। बट आज मैं आपके सामने सिर्फ दो ही कंस्ट्रक्टर की बात करूंगा, पैरामीटराइज और डिफॉल्ट। तो अभी के लिए अगर मैंने कुछ पैरामीटर पास करे तो मुझे पैरामीटर ना बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही पास करने होंगे जितने मैंने यहाँ दे रखे हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 6 पैरामीटर्स दे रखे हैं, 3 स्ट्रिंग टाइप के और 3 इंटीजर टाइप के। तो ये देखिए, अगर मान लो मैं इसमें से एक वैल्यू को हटा देता हूँ तो ये एरर देने लगेगा, ये एरर दे रहा है कुछ ऐसा। पढ़ते हैं जरा एरर को, द कंस्ट्रक्टर मेन डॉट फोन इज स्ट्रिंग 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 कॉमा इंट इंट इज अनडिफाइंड। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर आपने बनाया ही नहीं आज तक, तो आपको क्या देना पड़ेगा, 4500 आपको एग्जैक्टली उतने ही वैल्यूज पास करने होंगे और उसी टाइप के पास करने होंगे। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूं कि मैं यहां पर स्ट्रिंग पास कर दूं, ये भी करना अलाउड नहीं है, ये फिर से एरर देगा। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंस्ट्रक्टर कैसा एग्जिस्ट करता है, स्ट्रिंग 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 एंड इंट इंट इंट, पहले 3 स्ट्रिंग फिर 3 इंटीजर, सिर्फ इसी टाइप का कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। तो मुझे इसी टाइप का कंस्ट्रक्टर, मतलब इसी तरीके से मुझे डेटा को यहाँ पर सेंड करना होगा। मैं किसी भी रैंडम ऑर्डर में नहीं भेज सकता हूँ डेटा, डेटा बिल्कुल उसी ऑर्डर में होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद देखते हैं ऊपर की ओर, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इस वन प्लस को इसके अंदर पास करेगा, ये इसके अंदर पास करेगा, 1-to-1 मैपिंग करता है। 8 को यहाँ पे पास करेगा, 128 को यहाँ पे एंड 4500 को यहाँ पे पास करेगा, एंड 1-to-1 मैपिंग के सहारे नेम ऑफ कंपनी हो जाएगा वन प्लस, मॉडल हो जाएगा 9R 5G, कलर हो जाएगा लेक ब्लू, रैम हो जाएगा 8GB, स्टोरेज हो जाएगा 128 एंड बैटरी पावर हो जाएगा 4500। अब क्योंकि मैंने इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड कर रखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से ये वाली इंफॉर्मेशन भी चल सकती है, इस टाइप से भी मैं क्लास को डिफाइन कर सकता हूं। क्योंकि इसके पास देखो, अगर मैं यहां पर इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर देता तो क्या होता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कमेंट करने से अब यहाँ पे ना ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जैसे ही मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, इट मींस ये क्या बोलेगा कि भाई इन लोगों को ना डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो, जो भी इनकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू इन्हें असाइन कर दो जाकर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इन सभी को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो भी इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे कि स्ट्रिंग की होती है नल, इंट की होती है जीरो। इसीलिए बाकी के दोनों कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो एक बार इस पूरी इन्फॉर्मेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। देखो रिजल्ट बिल्कुल सेम आया, ये पहला दूसरा। उसके बाद मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से पहले, मतलब मैंने डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया इस P3 नाम के अंदर और अपनी वैल्यू असाइन करी, दैट इज पाइन ग्रीन, ये पाइन ग्रीन वाला हो गया। उसके बाद मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया, मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा जिसके अंदर मैंने ना ही पैरामीटर पास करे और ना ही मैंने उसके बाद कोई वैल्यू असाइन करी उसे, स्टिल वो सब वैल्यू किससे इनिशियलाइज्ड है, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज्ड है वहां पर। तो ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो बेटर क्या होगा कि अगर हम सभी सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करी, अगर मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसी ऑर्डर में स्टोर करूं, P3 एंड वन प्लस 9 Pro 5G और ये हो जाएगा मेरा पाइन ग्रीन, इसको कर लेते हैं हम पाइन ग्रीन और इसे हटा लेता हूं एंड दैट इज P3।